रवि श्रीवास्तव जी, जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब अदालती फैसलों की बात आती है, तो विपक्ष एकजुट होने लगता है। फिर विपक्ष को लगता है कि भाई लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा है। क्या करप्शन के नाम पर एकजुटता हो रही है? विवेक जी, विपक्ष हमेशा से मजबूती से खड़ा हुआ था। आज आप मुझे बताइए कि देश में मोदी जी के साथ कौन खड़ा है? एक हरियाणा के अंदर एक पार्टी के साथ इनका संगठन बना हुआ है, सरकार है, और एक महाराष्ट्र के अंदर जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी सरकार है। बाकी वो नॉर्थ ईस्ट के छोड़ दीजिए, वहां तो इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अरे तो हमारे मेरा ये कहना है कि आज मोदी जी के साथ में कोई है ही नहीं। अब आप जबरदस्ती ठीक है, अब हम फैसले पे आ रहे हैं। जनता खड़ी है, ठीक है, वो जनता ठीक है, खड़ी है, ठीक है, जनता संभालेगी। जफर इस्लाम जनता संभालेगी, आप शांत रहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप शांत रहिए। देखिए राहुल है वो राहुल, राहुल है वो राहुल, आपका मैसेज आ गया। जफर राहुल, जफर इस्लाम जी आपका मैसेज आ गया, उनको बोल लेने दीजिए प्लीज, माफी नहीं मांगेंगे। फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और आप देखिए आज केजरीवाल जी ने जिस तरह से बात कही है, आपने केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाया दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा किसी को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने बदले की भावना से आपके मंजीत सिरसा ने पोस्टर लगाया दिल्ली के अंदर केजरीवाल के खिलाफ, उन्होंने कहा कोई किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अरे लोकतंत्र है, प्रजातंत्र में आप विरोध नहीं करेंगे तो आप रखे किस लिए गए भाई? विपक्ष है काहे के लिए? अगर आप विपक्ष की आवाज को ही ऐसे बंद करेंगे, हर आदमी पे ईडी और सीबीआई का एक जानवर छोड़ देंगे पीछे से, तो वो खत्म हो जाएगा क्या? अच्छा ठीक है, डेमोक्रेसी खत्म नहीं। मुझे एक बात बताइए रवि जी, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे विपक्ष आवाज उठाता, आपने मोदी विरोधी, एक सेकंड जबर साहब जी मैं आ रहा हूं। रवि जी एक बात बताइए, आपने आपने कहा कि पोस्टर लगाए दिल्ली भर में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में, उस पोस्टर में ना छापने वाले का नाम, ना छपवाने वाले का नाम। फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बीजेपी यही तो करती है, विपक्ष हिट एंड रन करता है, उसके हाथ में कुछ नहीं, बोलने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हिट एंड रन करता है और उसका उसका फायदा उसको कुछ मिलता नहीं है। आप दिल्ली में ही रहते हैं, इसके पहले केजरीवाल के खिलाफ कितने कार्टून और कितने पोस्टर बने, सब पे इन्होंने नाम पता मोबाइल नंबर लिख के छोड़ा था क्या? उन पे कोई केस नहीं हुआ? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? आप कह रहे हैं देश कानून से चलता है, या कानून सिर्फ बीजेपी के साथ चलता है? देश में कानून सबके साथ चलना चाहिए भाई, एक तरफा कानून थोड़ा ही चलता है कहीं पे। और जहां तक सवाल राहुल गांधी का है, ये मोदी समाज क्या होता है भाई? देश में कोई मोदी समाज है क्या? उसका लोकस स्टैंड ही नहीं है उस आदमी का जो वहां पे कंप्लेंट कर रहा है बैठ करके। ये तो आप इंतजार कर रहे थे कि जब हमारे मतलब का जज आए तो हम अपने मतलब आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने सही कहा था, सारे मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। देखिए उन्होंने जो भी कहा था, नाम लेके कहा था, पिछवाड़े से नहीं कहा था, हिडन नहीं कहा था, वील्ड नहीं कहा था, जो कहा था मुंह पे कहा था। सत्येंद्र जैन के केस के अंदर जैसे ही बेल मिलने वाली थी, आपने कहा नहीं नहीं जज बदल दो, हमें दूसरा केस ट्रांसफर कर दो दूसरे के पास में। क्यों? कि आपको सेटिंग करना चाहते हैं आप जजों के साथ में क्या? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।